फर्स्ट बिलीव योर सेल्फ देन गॉड, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था पहले अपने ऊपर भरोसा करो तब जो है ईश्वर पर। क्योंकि यदि आप जो भी काम करते हैं चाहे इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, जब तक अपने ऊपर भरोसा नहीं रहता है तब तक आदमी कोई काम नहीं कर सकता है। उनका स्टेटमेंट है कि यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते हो तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। हमेशा आगे बढ़ने ते रहने के लिए हमेशा आदमी को प्रयास करना चाहिए। इस समय जैसे परीक्षा का दौर है या कोई भी जीवन का परीक्षा जो है अंतिम नहीं होता, इसलिए हाई स्कूल की परीक्षा हो या कोई भी एकेडमिक हो या जीवन में अन्य परीक्षाएं हो, तो उनके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए समय के साथ। टाइम मैनेजमेंट, जो बीता हुआ कल है उसके बारे में मत सोचिए, आप आने वाले कल के लिए जो है आप तैयार रहिए और अपने कमियों को दूर करिए। सुबह से लेकर शाम तक जो है एक नई रणनीति के तहत आप अपने नवीनता एक एक इनोवेशन करिए, जिससे कि उसके आधार पर एक प्लानिंग करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए, तभी आप जीवन में जो है सफल हो पाएंगे। अपने कमियों को पहले पहचानिए, उसके बाद फर्स्ट रिकॉग्नाइज योर मिस्टेक्स एंड देन रिमूव, देन यू विल बी सक्सेस एट योर टाइम्स। फर्स्ट बिलीव योर सेल्फ देन गॉड, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था यदि हजार बार भी आप असफल होते हो तब भी फिर एक बार सफल होने के लिए प्रयास करते रहिए। अगर बार बार फेल होते हैं फिर भी एक बार सफल होने के लिए प्रयास करिए, क्योंकि तभी आप मतलब आगे बढ़ सकते हैं। जबकि आप कुछ नया चेंज, जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद थे, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने क्या है शुरू से एक जो गरीब किसान का बेटा था, जो कि इनके पिताजी नारियल बेचकर जो है किसी तरह से जीविकोपार्जन करते थे, और इनको पढ़ाने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, तो इनकी बहन ने अपना जेवर वगैरह सब गिरवी रखकर उनको MIT मद्रास में एडमिशन कराया था। और वही बच्चा जो है एडमिशन जब लेता है हाई स्कूल में, तो उनके मैथ के टीचर उनको एक बार देखते हुए उसे देख लेते हैं फील्ड में, उन्हें बुलाने की जब कोशिश करते हैं उनके टीचर, तो उसके बाद APJ अब्दुल कलाम जाते हैं और उनसे पूछते हैं टीचर कि आप क्यों घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्लास हमारा खाली था इसलिए। उसके बाद उनको बुला कर वो 4-6 बेत लगाते हैं, और उसके बाद वही बालक जब हाई स्कूल की परीक्षा में 100 में 100 मैथ में पाते हैं, तो टीचर उन्हें स्टेज पे बुलाते हैं और सम्मानित करते हैं, और उसके बाद उन्हें पुरस्कृत करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारा बेत जिस स्टूडेंट के ऊपर पड़ता है वही भविष्य का वैज्ञानिक होता है और उसके ऊपर सरताज होता है। यही हमारा जो स्टूडेंट है आगे भविष्य का जो है नाम रोशन करेगा, हमारे कॉलेज का, हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश का, हमारे भारतवर्ष का, तो वही आगे चलकर मिसाइल मैन बनते हैं APJ अब्दुल कलाम। तो हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, पॉजिटिव थिंक, बी पॉजिटिव एंड बिकम फर्स्ट बिकम विनर, मतलब यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। यदि नकारात्मक सोचते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी डाउन हो जाएगा और आप धीरे धीरे काम करने की क्षमता भी आपकी धीरे धीरे कम होती जाती है। यदि आप हजार बार भी असफल होते हैं तो फिर भी कोशिश करिए एक बार सफल होने की, चाहे हजार बार, यानी कि क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है और अंधेरा के बाद ही उजाला आता है। इसलिए हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमारे ऊपर मुसीबत है या किसी हम कष्ट में हैं तो हमारा दिन जो है नहीं बहुरेगा। इसलिए यानी कि सोचना चाहिए कि अगर मुसीबत है तो उसका फेस करिए, सामना करिए। जैसे एग्जाम है तो एग्जाम के लिए अपने आप को निडर होकर सामना करिए, तैयार करिए, रिवीजन करिए। यदि कोई भी स्टूडेंट हो, कितना भी अच्छा हो, यदि वह रिवीजन नहीं करता है तो उसका सारी तैयारी जो है व्यर्थ हो जाती है। इसलिए फर्स्ट बिलीव योर सेल्फ, आप रिवीजन अच्छे से करिए और उसके बाद उस तो तब आप जो है अच्छे कर पाएंगे एग्जाम में और आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। इसलिए हमेशा जो है सूर्य की किरणें की तरह से अपना चमक जो है बिखेरते रहिए और ओके, थैंक यू। और इसके बाद जो है और आता रहेगा वीडियो, धन्यवाद।